नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। नजर डालते हैं आज लखनऊ की खास खबरों पे। लगातार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर लगे पीएम मोदी के पोस्टर पर काली पोत का विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि पीएम मोदी देश का चौकीदार बनकर देश को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेल के बढ़ते दामों से स्थिति काफी खराब हो रही है। महंगाई को लेकर मोदी जी बैठक करते हैं और मंत्रियों के साथ भोजन करते हैं, लेकिन महंगाई को लेकर कुछ नहीं करते। देखिए, अभी आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर कितनी महंगाई बढ़ रही है, और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है, उसको लेकर हम लोगों ने विरोध किया है। आज उनके चेहरे पर काली पोती है और हमारा ये कहना है कि जो है बंद करो ये सारे काम, डीजल पेट्रोल करो दाम कम। इस लोगों के साथ बैठे हुए हैं क्योंकि आज की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। आप 5 रुपये कम करने की बात करते हो, कम बाद में होते हैं और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और उसको लेकर के आप रोज भोजन बैठक और विश्राम ये सारे काम जो है आप लगा रखे हो, लेकिन आप दाम नहीं कम कर रहे हो। ये आपने सुना काली की पोती है, तो किसके चेहरे पर काली पोती गई? जो देश के चौकीदारी की बात कर रहे थे, हमने उनके चेहरे पर काली पोती। यूपी में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर नगर निगम के अधिकारी पानी फेर रहे हैं। नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। वहीं नगर निगम की ओर से इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लखनऊ में इस तरह से पसरे कूड़े की तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है कि नगर निगम अपने कामों को लेकर कितनी लापरवाही बरत रही है। वहीं प्रशासन भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। प्रदेश भर की जनता को चिकित्सा के लिए पीजीआई पर भरोसा है। पीजीआई रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बिना भेदभाव स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। चिकित्सक के अंदर निरंतर सीखने की ललक होनी चाहिए। किसी चिकित्सक संस्थान की उपलब्धि के पीछे उसके मुखिया को श्रेय जाता है, लेकिन उसमें हर व्यक्ति का योगदान रहता है। मुख्यमंत्री SGPGI में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इसी दौरान में पीजीआई में 550 बेड बदलने की भी बात कही है। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित भागीदारी भवन छत्रपति शाहू जी महाराज शोध और प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद गयरुल हसन रिजवी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद यदरुल हसन रिजवी ने कार्यक्रम के बाद लखनऊ के VVIP गेस्ट में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। गुजरात में हो रहे यूपी बिहार के लोगों पर हमले और उनके पलायन के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लखनऊ पहुंचने पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आलम तो ये रहा कि विजय रूपाणी को लेकर कल कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं छात्र सभा कार्यकर्ताओं ने भी गुजरात के सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम की। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोगों ने गुजराती सीएम के काफिले पर पत्थर मारने की भी कोशिश की और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। लखनऊ में त्योहारों के चलते एक संस्था ग्रंथ प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। कार्यक्रम शाम में अवध की शुरुआत 20 अक्टूबर को दिव्या श्रीवास्तव करेंगी। शुरुआत में छोटे बच्चे रैप वॉक करते हुए नजर आएंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थीम पर लखनऊ के कई स्कूलों के नन्हे बच्चे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। किड्स स्पीक के फाइनल राउंड में 18 बच्चों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें कि प्रदर्शनी में आगरा, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, नोएडा समेत कई जगहों के लोग प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। एमबी क्लब में 20 से 21 तारीख को है 11:30 से 12:30 के बीच, जिन इवेंट्स के बारे में आपको बताया गया वो सुबह 10 बजे शुरू होंगे, और एग्जीबिशन जो इनॉग्रेट होगा वो हमारे जजेस के द्वारा 11 बजे 20 अक्टूबर एमबी क्लब शाम में इनॉग्रेट। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम अभी प्री प्रमोशनल इवेंट के तौर पर लोगों को आम जनता को जाके लकी ड्रॉ कूपन दे ताकि वो हमारे एग्जीबिशन कर पाए और देखें कि हमारे एग्जीबिशन। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई, जहां पार्टी ने नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे का स्वागत किया गया।
इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और पार्टी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़े जाने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आनोद कुमार रावत ने की। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव प्रतिभा गुप्ता और महिला प्रदेश अध्यक्ष पद्मा रावत, अर्चना शुक्ला, अमित सिंह राठौर, बिमल शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी की हम लोग जो है पार्टी की जो है अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पर थोड़ा अफवाह उड़ रही थी कि पार्टी के जो पदाधिकारी इधर उधर आना जाना लगाए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी मजबूती के साथ लखनऊ में काम कर रही है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, लखनऊ का आनोद रावत मेरा नाम है, और मैं मोहनलालगंज से चुनाव भी लड़ा हूँ 2012 का, माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, चुनाव हारे, स्थिति सम्मानजनक थी, और फिर तैयारी हमारी विधानसभा की है 2012 की। आप हमारे साथ 2022 की हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं आप अर्चना शुक्ला जी, आप भी हैं। पार्टी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यूपी की प्रदेश अध्यक्ष उमा देवी पिछले 155वें दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि इनको गार्डन में शिक्षकों ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उसी दिन से शिक्षकों की मांगों को पूरा करवाने के लिए उमा देवी आमरण अनशन पर बैठ गईं। उमा देवी के संघर्ष में लोग दूर दूर से उनका समर्थन करने आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र से किन्नरों से लेकर यूपी के दिव्यांग भी शामिल हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांगों को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। आज मेरे धरने को 155 दिन हुए। इस 155 दिन में 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ उतारा, सुहागिन बहनों ने केस का परित्याग किया। केस का परित्याग होने के पश्चात हाई पावर कमेटी का गठन हुआ। गठन में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा अध्यक्षता की गई, डिप्टी सीएम साहब द्वारा। उसमें हम लोगों को दीपावली तक का समय दिया गया है, वो भी मौखिक लिखित नहीं। और आज भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, दीपावली का समय नज़दीक आ चुका है और जो स्थितियाँ मेरे सामने रही है मेरे भाई, वो बहुत विषम रही है। हालात मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। ये ज़िंदगी 172,000 परिवार की पेट की रोटी दांव पर लगी हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा हमें राज्य के पाले में भेजे जाने के पश्चात आज भी राज्य अनदेखा किए पड़ा है। मेरे परिवार से 807 लाशें उठ चुकी है, फिर भी किसी मुखिया ने या किसी बड़े लोगों ने, जितने भी बीजेपी की सत्ता पे आसीन है, शोक संवेदना नहीं व्यक्त की, ना ही कोई मुआवजा दिया। और आज भी 10,000 की नौकरी हमें ये देकर योग्य कह रहे हैं, और हम 40,000 जब पाते थे तो यही हमें अयोग्य कहे। आप तुलना करिए कि 10,000 पाने वाला कैसे योग्य हो सकता है और 40,000 पाने वाला अयोग्य कहलाएगा। क्या यह विडंबना नहीं है हमारे साथ? क्या यह राजनीतिक द्वेष नहीं है हमारे साथ? लखनऊ में दबंगों के आगे पुलिस घुटने टेकती नजर आ रही है। दबंगों के जरिए युवक की पिटाई के 5 दिन बाद भी जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो लाइव 24 की टीम ने हस्तक्षेप कर मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि 5 दिन पहले लखनऊ के मानक नगर इलाके में दबंगों ने इस युवक की जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से ही पीड़ित के परिजन दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। सर, मेरे साथ सिविल वजह से मारपीट हुई है सर, कि ऐसा हुआ था सर, इन्होंने मेरे एक दोस्त को मारा सर, और सर उसके खोपड़ी में सर चोट आ गई ज़्यादा सर, तो हम लोगों ने सर पुलिस वालों को फ़ोन किया सर, 100 नंबर से पुलिस आई सर, शिव प्रसाद सर उनका नाम था सर, सर उन्होंने को सर हम लोगों ने लड़के पकड़वा दिए सर, तो वो जाके सर उन्होंने फाटक पे छोड़ दिया, जब तक हम लोग हुआ को लेके पहुँचे तब तक उन्होंने छोड़ दिया सर। फिर सब कुछ हो गया था सर, मैं जा रहा था अपने घर सर, तब सर मुझे सर 25-30 लोगों ने, उन्हीं लोगों ने सर, अंकित और शाहिद और सर और भी सर बहुत से लोग थे सर। कितने बजे का सर ये? 2:30-3 बजे का सर, 2:30 बजे का दोपहर में। हाँ सर, दोपहर में 2:30 बजे का सर। दिल्ली के पास सितारा होटल हयात रिजेंसी में हुड़दंग मचाने वाले आशीष पांडे की गिरफ्तारी को लेकर लखनऊ में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि आशीष की गुंडगर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच हरकत में आने से यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने मिलकर 5 गेस्ट हाउस पर छापा मारा है। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव 24। नमस्कार।